फेयरवेल पार्टी में पहन सकती हूँ उनके लिए, ये बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में भी हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत ही डायमंड लगे हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम शिखा है और मैं वीडियो बनाती हूँ ब्यूटी फैशन मेकअप लाइफ स्टाइल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हॉल होने वाला है वो मीशो ज्वेलरी हॉल होने वाला है, बिकॉज ऑफ इतनी सारी ज्वेलरीज मैंने परचेज की है और ये सारी आज मैं आपको स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ कि कैसी। हाँ फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूँ कि आज जो मैंने ज्वेलरी परचेज की उसमें शायद 2 या 3 पीस ही हैवी होंगे, बाकी सारे ही ज्वेलरीज जो है वो लाइट वेट ज्वेलरीज हैं, लाइट ज्वेलरीज हैं, जो आप ऑफिस के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं या अपने कोचिंग के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं, फेयरवेल पार्टी में पहन सकते हैं। सिंपल सोवर बहुत प्यारी प्यारी सी ज्वेलरीज हैं, बिल्कुल लाइट जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है या ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनको किसी पार्टी में जाना है या कहीं जाना है तो सिंपल ज्वेलरी चाहिए, पतली ज्वेलरी चाहिए, वैसी ही सारी ज्वेलरीज हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे छोटी वाली ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई थी, एक क्यूट सी डब्बी में आई है छोटी सी। ये अच्छी बात है मीशो में कि मीशो ने मुझे डब्बी दी है, नहीं तो डब्बियाँ देते ही नहीं है मीशो वाले, जनरली बस पैक करके दे देते हैं। तो एक ये बहुत छोटी सी बहुत प्यारा सा नोट भी आया है, और चलो नोट को तो बाद में पढ़ेंगे, इसको रखते हैं कोने में और ये देखते हैं। अभी तक मैंने ये खोल के भी नहीं देखी, कुछ ज्वेलरीज मैंने खोल के देख लिए बट ये वाली मैंने खोल के नहीं देखी थी। तो इसमें है बहुत ही प्यारा सा एक नेकलेस और छोटे छोटे से इयररिंग्स, जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए पूरा ही इसमें मोती का है, ये पूरी लड़ जो है वो पूरी मोती की, और एक छोटा सा पेंडेंट दिया हुआ है ये देखिए इस टाइप से, बहुत ही प्यारा नाजुक सा प्यारा सा है। और जो लड़कियां होती है ना कॉलेज में जैसे पहन सकती हैं या फेयरवेल पार्टी में पहन सकती हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा है। और अगर मतलब कोई ऐसे भी पहनना चाहे, नॉर्मल सूट के साथ पहनना चाहे, तो भी आप इसे पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत सा है। इसमें ये दोनों तरफ ऐसे छोटा पर्पल कलर का एक स्टोन दिया हुआ है, फेक स्टोन जो होते हैं ना वो वाले स्टोन है, एंड बीच में एक छोटा सा क्यूट सा देखिए राउंड वाला ये दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं चलिए आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ इसे कैसा लग रहा है। हाँ फिर इसके साथ मुझे छोटे छोटे से इयररिंग्स भी मिले हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के पैकेट में छोटे छोटे से इयररिंग पैक करके दिए हुए हैं उनने, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ से गिरता बहुत है सब कुछ। और ये है प्यारे से इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे से। जनरली नॉर्मल भी आप इसे एक सूट के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये क्या लगाया मैंने इसमें, हाँ ये देखिए इस टाइप से कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। तो ये वाले इयररिंग्स इसके साथ मुझे मिले हैं, ये सब मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। देन उसके बाद जो सेकेंड ज्वेलरी मैंने परचेज की है, चलिए आपको वो दिखाती हूँ। वो इस टाइप की एक छोटी राउंड प्लास्टिक की डब्बी में आई है, इस बार ये अच्छा है कि सबके साथ डब्बी भी ले हैं। तो ये है जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये कान में जो साइड में हम कान के पहनते हैं ना, उसके पीछे जो लगाते हैं, आजकल काफ़ी सारा फैशन में है, साड़ी के साथ लहंगे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पूरा उलझ गया एक दूसरे में, वेट ये देखिए इस टाइप से, ये भी पूरा मोतियों का है और इस टाइप से इसको वेयर करते हैं, ये कान के पीछे ऐसे लगाते हैं ना ये देखिए, तो इस टाइप से लगाने का है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारा सा है। तो ये मैंने एक परचेस किया है, इसमें गोल्डन कलर की पतली 3 चेने हैं, देन उसके बाद इसमें ऐसे मोती लगे हुए हैं और छोटे छोटे से मोती लटक रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन सब के प्राइस फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर दे दूँगी और इन सब के कोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एक ये मैंने परचेस किया है और काफ़ी कम प्राइस में मुझे ये मिला है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं पसीना हो रही हूँ, बिकॉज ऑफ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में शूट करना ना हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद मैंने जो फ्रेंड्स ये परचेस किया है वो इस टाइप की छोटी सी डब्बी में आए हैं, प्यारे से कड़े हैं, बहुत ही प्यारे लगे मुझे, मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही नाजुक से और बहुत ही प्यारे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सस्ते हैं, तो बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही एडजस्टेबल है, मतलब ऐसे हैं कि आप इसे ईजीली यूँ मतलब ये आपके अगर आपका हाथ थोड़ा सा मोटा है या ठीक है तो भी आप इसे ईजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से लग रहे थे। देखिए इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, ये देखिए मारवाड़ी जो ज्वेलरीज होती है ना जनरली उसमें इस टाइप के डिज़ाइन आते हैं, तो इस टाइप के डिज़ाइन का है और आप इसे ईजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिनिशिंग
शाइनिंग इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेंगे पहने में, बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत से। तो एक मैंने ये परचेज किए थे, देन उसके बाद जो मैंने परचेज किया है फ्रेंड्स वो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे नीचे रखा जाती हूँ। देन उसके बाद जो इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, पैकिंग काफ़ी अच्छी थी, पैकिंग सबकी खोल डाली है मैंने, तो इसमें ये पूरा एक सेट है जो ब्रेसलेट का पूरा सेट मुझे मिला है। और इसमें देखिए इस टाइप के तीन चार कड़े हैं, एक इस टाइप का ये है ब्रेसलेट जो कि एक ये है, और देन इसके बाद एक ये गोल सा कड़ा है गोल्डन कलर का, एक ये है, देन उसके बाद ये ऐसा त्रिकोण शेप में जो है एक ये कड़ा है, इसके बाद इसमें एक ये वाली प्यारी पतली सी चेन है जिसमें एक स्टार टाइप का बना हुआ है, ये एक पतली सी चेन है, देन इसके बाद एक ये वाली जो तीर होता है ना उस टाइप के डिज़ाइन की एक छोटी सी पतली चेन दी हुई है। तो ये कॉलेज वॉलेज में जो गर्ल्स जाती है ना उन पे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का पहन के जाओ, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसे सिंगल सिंगल भी पहन सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा इसे सेट बना के भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने पे। तो एक ये मैंने पूरा परचेस किया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैंने ये परचेस किया था। और आजकल ये बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में भी हैं इस टाइप की ज्वेलरी, तो एक ये मैंने परचेस की थी। देन उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो परचेस किया है वो इस टाइप के एक बॉक्स में आया था, बॉक्स पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से आई थी। और ये है बहुत ही खूबसूरत सा पेयर है, बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब मुझे तो इतना अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारा आएगा, बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ये डार्क कलर की साड़ी इस पर इतना प्यारा लगेगा ना, मतलब मुझे पहन के ही इतना देख के मैं खुश हो गई थी कि वाओ बहुत ही प्यारा, इतना फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इसमें इस टाइप के ये जो कुंदन जिसे बोलते हैं फेक कुंदन होते हैं वो लगे हुए हैं, और डायमंड लगे हुए हैं बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक डायमंड लगे हैं, आप पास से देखेंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा, बारीक बारीक डायमंड लगे, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही अच्छी बेस्ट क्वालिटी की आई है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का आएगा। बीच में ऐसे पतले पतले छोटे छोटे से एक नग भी लगे हुए हैं और पहने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं इसे आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसे। फ्रेंड्स मेरी लाइट चली गई थी तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फिर इसके साथ मुझे जो इयररिंग्स आए वो इस टाइप के छोटे छोटे क्यूट से इयररिंग्स आए जिसमें ऊपर डायमंड लगा हुआ है और नीचे सेम जो नेकलेस में मटेरियल लगा हुआ है वो वाला मटेरियल का ये एक पीस लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, कलर बहुत ही प्यारा है, लाइट बिल्कुल पर्पल सा कलर है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके साथ मुझे ये इयररिंग्स आए हैं तो बहुत ही अच्छे लगे। देन उसके बाद जो ज्वेलरी परचेस की है वो इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुई थी और बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे से पैक थी बट मैंने पूरा खोल खोल के बराबर कर दिया इसे। ये वाला देखिए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही, मैंने बहुत टाइम पहले से परचेस किया था बट मैंने इसे दिखाया ही नहीं और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे दिखाने का। तो ये एक नेकलेस है, बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट वाला है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके मोतियों की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, स्काई ब्लू कलर के मोती हैं और इस टाइप का पेंडेंट है, पेंडेंट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही हैवी और बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट है, मतलब बहुत ही अलग टाइप का पेंडेंट है, ऐसे वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है। देखिए इसकी क्वालिटी कितनी प्यारी है, ये देखिए, और लग भी बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन इसका जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा दिया हुआ है, इसकी जो डोरी है वो भी काफ़ी मजबूत है, और इसमें जो इस टाइप का ये पीस लगाया है ना कॉर्नर पे जिससे इसमें मोती जो है वो बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। इसका प्राइस जो है वो मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी, तो ये साड़ी के साथ अगर आप पहनेंगे या लहंगे के साथ भी पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ जो मुझे मिले हैं बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स मिले हैं, वो इस टाइप की इयररिंग्स मिले हैं, ये देखिए इयररिंग्स अकेले भी अगर आप पहन के कहीं जाते हैं तो ईजिली आप इसे पहन के जा सकते हैं, इसके साथ आपको नेकलेस पहनने की इतना बड़ा कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ओवर आप अगर आप नेकलेस पहन के और साड़ी पहनेंगे या लहंगा पहनेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के मुझे सेम इसके नेकलेस मिला, ये सॉरी इयररिंग्स मिले हैं। देन लास्ट जो बॉक्स मैं ओपन करने वाली हूँ वो लास्ट है और उसमें बहुत ही प्यारा सा पीस है, तो इस पीस को आप देखें ना खुश हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन प्लीज़ जब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको जोड़ी कौन सी अच्छी लगी, तो पहले ये वाला पीस भी देख लीजिए फिर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये बहुत इस टाइप की पैकिंग में आया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप न्यूली मैरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है, ब्राइड टू बी है, तो आप ये ज़रूर परचेस करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतनी फिनिशिंग के साथ इसे बनाया गया है, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है,
जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आजकल आपको पता ही होगा हर तरह की साड़ी के साथ, लहंगे के साथ चल जाता है। आप सिंपल अगर प्लेन साड़ी पहनते हैं, सिंपल सी साड़ी पहनते हैं, लाइट वेट साड़ी पहनते हैं और उसके साथ इस टाइप का नेकलेस पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाए, पूरा डायमंड लगे हुए हैं और इसमें नीचे ग्रीन कलर के फेक कुंदन लगे हुए हैं। बट कुंदन की क्वालिटी भी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये फेक कुंदन है, बहुत ही प्यारी लग रही है क्योंकि बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। देखिए पास से अगर आप देखेंगे तो कितना प्यारा लग रहा है। इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पीछे से अगर आप देखेंगे तो पीछे से भी ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है, एकदम ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी आपको ऐसा पहन के नहीं लगेगा कि इसकी कोई तार या कुछ आपको चुभ रही है। बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छे से बनाया। इसके साथ मुझे मांग टीका और इयररिंग्स भी मिले हैं, तो इयररिंग्स तो इसके बहुत ही प्यारे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको नेकलेस भी पहनना है, सिंपल अगर आप इयररिंग्स पहनेंगे तो भी आप बहुत प्यारे लगेंगे। सेम ही इस टाइप का मुझे इसका बेंगा भी मिला है। नेकलेस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है कि पहनने के बाद आपको बहुत भारी लग रहा है, कान लटक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही प्यारे से। देन इसके साथ जो मुझे वो मिला है वो इस टाइप का बेंदा मिला है। खैर बेंदा तो कोई नहीं लगाता है इस टाइप के आजकल, बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं लगते, तो मुझे तो बेंदा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लग बहुत सुंदर आया है। बट अगर आप चाहें तो इसका भी जुगाड़ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका आप क्या कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा लगा, मतलब छोटा सा क्यूट सा है बट ये नेकलेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लगे बिकॉज ऑफ मैंने दोनों वेराइटीज़ रखी है, सिंपल भी और हैवी भी, तो मैंने दोनों ही वेराइटीज़ रखी थी। आपको कौन सी वेराइटी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा पीस ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिना लाइक करके मत जाइएगा प्लीज़। बाय बाय।